नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। एक गलती है अगर आप वो करते हैं, या फिर हो सकता है कि बाई मिस्टेक आपसे हो जाए, तो पेटीएम पोस्टपेड का जो अकाउंट है वो डिलीट हो सकता है, या यूं कह लीजिए क्लोज हो सकता है पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट, अगर आपको लिमिट मिली है। फिर भी उसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगा अपने फ्रेंड मोहित का, आप जानते ही होंगे। तो उसने क्या किया था, अपना जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है यूज ही नहीं किया था 1 साल से। एक दो बार शायद उसने स्टार्टिंग में किया था, लेकिन काफी समय से उसका एक वीडियो भी आया है, अगर आप उसके चैनल नेक्स्ट टेक मोहित के नाम से चैनल है वहां पे जाके देखेंगे, तो वहां पे उसका कहना है कि 1 साल तक लगभग शायद उसने पेटीएम पोस्टपेड ही यूज नहीं किया था, जिसके कारण जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वो बंद हो गया था। और उसके बाद उसको जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वहां, अगर वो दोबारा अब जा रहा है, तो हालांकि रीअप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन 1 साल तक उसने यूज ना करने पर उसको जो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट मिली थी और उसने यूज नहीं किया था, तो उसके कारणवश उसका जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वो बंद हो गया था। तो अगर आपके पास पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है और आप चाहते हैं कि आपका पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट बंद ना हो, कभी काम आ जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कभी ना कभी आप यूज कर सकते हैं, तो महीने में एक दो बार ट्रांजेक्शन आप उससे कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, ताकि वो कंटिन्यू आपका अकाउंट जो है वहां पर बना रहे, अगर आप चाहते हैं तो उसको आपको रेगुलर थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। तो मोहित का ऐसा कहना है कि उसने यूज नहीं किया था, जिसके कारण जो पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट है वो उसका बंद हो गया था। और आपको यही गलती नहीं करनी है अगर आपको कंटिन्यू पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट कंटिन्यू करना है। तो आपको ये बता दूं कि अगर पेटीएम पोस्टपेड में ऐसा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट बना नहीं सकते, मोहित का ऐसा उस वीडियो में कहना था, और जो पर्सनली बात हुई उस पे भी, तो उसका ये कहना था कि उसको वहीं पर रीअप्लाई करने का ऑप्शन भी आ गया था। तो ये भी है कि अब इस यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि एक बार अकाउंट आपका बन गया, दोबारा आप अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट मिले ना मिले, अकाउंट बने ना बने, तो उस वहां तक आने से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत एक दो महीने में यूज कर लें। अगर आपको कंटिन्यू यूज करना है पेटीएम पोस्टपेड, या आपको वैल्यूएबल लगता है आपके फोन में या पेटीएम ऐप में पेटीएम पोस्टपेड, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो रीअप्लाई उसने शायद अभी नहीं किया है, और मेरे को लगता है कि शायद वो करेगा, तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा कि दोबारा अकाउंट बनता है या नहीं, या फिर आपको लिमिट मिलती है या नहीं, लेकिन ऑप्शन जरूर आ जाता है आपको रीअप्लाई का। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पेटीएम पोस्टपेड यूज करें, ताकि आपका अकाउंट जो है वो बंद ना हो। यहाँ पे एक चीज और है कि जो चाहते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट मेरा बंद हो जाए, तो वो 1 साल तक छोड़ सकते हैं उसको, ताकि जो पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट है वो बंद हो जाए, क्लोज हो जाए। वैसे तो वो आप कस्टमर सपोर्ट लेंगे तो वहां से भी क्लोज करवा सकते हैं, क्योंकि कई कमेंट भी आते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट कैसे बंद करें। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप 1 साल तक यूज नहीं करते हैं, तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाए, या फिर आप मेल पर सपोर्ट लेंगे कस्टमर सपोर्ट, तो वहां पर भी वो जरूर आपकी मदद करेंगे, और अकाउंट क्लोज करने की जरूर वो मदद करने की कोशिश उनकी रहेगी, अगर आप चाहते हैं तो। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप साल में यूज कर सकते हैं, ताकि आपका अकाउंट बंद ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।